तो कल हम लोगों ने पूरे अस्तित्व की व्यवस्था पे चर्चा की थी और अस्तित्व समग्र को एक दृष्टि में देखने का प्रयास किया था। और कल एक असाइनमेंट भी हम लिया था कि जितने भी शब्द यहाँ प्रयुक्त हुए हैं उन शब्दों के अर्थ में हम जाएं और देखें कि हमारे विचार में अभी यही अर्थ है या इससे कुछ भिन्न है। ये सत्य, धर्म, न्याय, नियम, विकास, ये सब जो शब्द हैं हम इसको इसी रूप में देखते हैं या कोई दूसरा अर्थ है हमारे लिए, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शब्द तो यही रहते हैं, सामान्य रहते हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं चर्चाओं में, बट बात कुछ रखी जाती है, हम उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और लेके चलते हैं। जैसे एक बार बात हुई थी कि सत्य और सच दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम सत्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो व्यापक में संपूर्ण प्रकृति की संपृक्तता को इंगित कर रहे हैं। जब धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो व्यवस्था शब्द को इंगित कर रहे हैं। जब न्याय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो संबंध में उभय सुख को इंगित कर रहे हैं। जब नियम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो जड़ इकाई का जड़ इकाई से जो संबंध है उसमें जो एक निश्चितता है उसको इंगित कर रहे हैं। ये बातें अगर हमें स्पष्ट है तो अच्छी बात है, नहीं? तो मानव के सेल्फ में, मतलब चेतन इकाई का, मैंने ये समझा कि चार चीजें होती हैं, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। लेकिन एनिमल के में तो तीन होती हैं, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। तो फिर ये जो डेफिनेशन है कि चार चीजें होती हैं चेतन इकाई में, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, तो ये जी उस वाले जो एनिमल में तो फिर तीन ही हुई भैया। तो जानने का पोटेंशियल है अभी भी अच्छा, हम अपने जीवन में भी पोटेंशियल। देखें जी, तो अभी जानने की क्रिया हो सकता है एक्टिव ना हुई हो, तो अभी मानने में ही जीना हो रहा है। तो हो सकता है इसलिए जब उसको जीव चेतना कह रहे हैं तो जीव चेतना का मतलब इतना ही हुआ कि मानने भर में जी रहे हैं, जानने का काम नहीं हुआ है। तो अगर एक जीव को देखें, पशु या पक्षी को देखें, तो उसमें भी मानने की क्रिया हो रही है, हमारे भी मानने की क्रिया हो रही है। इतना ही भर है कि हमारे मानने की क्रिया थोड़ी और फैली हुई है, उसके मानने की क्रिया थोड़ी कम फैली हुई है, क्योंकि शरीर भी कम विकसित है और उसका प्रयोग करता हुआ जो सेल्फ है वो भी कम विकसित है। तो हम जो मानने की क्रिया कर रहे हैं वो इच्छा, विचार, आशा तीनों में फैल के कर रहे हैं। जो जीव का मैं है उसमें जो मानने की क्रिया हो रही है मुख्य रूप से आशा के स्तर पर हो रही है, उसमें भी मुख्य रूप से शरीर सापेक्ष हो रहा है। तो जीव के मैं में भी मानने की क्रिया ही हो रही है, हमारे में मानने की क्रिया ही हो रही है, हमारे में जानने का पोटेंशियल भी है। वैसे देखें तो जीव के सेल्फ में भी जानने का पोटेंशियल तो है, बट उसको अभी पोटेंशियल के रूप में देखना भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लंबी दूरी है वहां पर। अभी तो पहले इच्छा तक विकास होगा, तब तो जाके पोटेंशियल जो जानने का है उसका विकास हो पाएगा, वो तो ठीक से यूटिलाइज हो पाएगा। तो हमारे में यह है कि चूंकि हम इच्छा के स्तर पर पहले से ही जागृत हैं, क्योंकि हमारे अंदर चित्रण की क्रिया हो रही है, तो चिंतन की क्रिया की संभावना अधिक है जागृत होने की। बट यदि हम ध्यान न दें, जानने का प्रयास न करें, तो हमारे में भी जानने की क्रिया नहीं एक्टिव होगी, तो हम भी पूरी शरीर यात्रा लगाकर मानने में जीने जीते हुए रह सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो अभी समाज में आपको दिखाई देगा अधिकांश लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि मानने की क्रिया में ही जी रहे हैं। सुविधा को सुख मान लिया, अपने को शरीर मान लिया, संबंधों में विरोध मान लिया, प्रकृति को और समाज को शोषण करने की वस्तु मान लिया, तो जिए जा रहे हैं। तो जानने की क्षमता है, जानने का पोटेंशियल है, बट उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया है। तो जीव चेतना में जीते हुए मानव भी मानने भर में ही जी रहा है, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। स्टैटिक और स्टेट ये दो अलग अलग शब्द हैं। अच्छा स्टेट का मतलब स्थिति, तो जब स्थिति क्रिया कह रहे हैं उसको स्टेट एक्टिविटी कह रहे हैं। स्टैटिक कहेंगे उसका हिंदी शब्द अगर आप लेंगे तो शिथिल, कोई चीज में गति नहीं है तो है ना, शिथिल हो गया है स्टैटिक। हाँ, तो स्थिति क्रिया को कह रहे हैं तो स्टेट एक्टिविटी कह रहे हैं। स्टैटिक का तो सही मतलब देखें तो शिथिल, ठीक इसमें है ना कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई ठीक है ना गति की संभावना नहीं है, उसको कह रहे हैं स्टैटिक। तो सेल्फ में जब बात करेंगे तो स्टेट एक्टिविटी और डायनेमिक एक्टिविटी, स्थिति क्रिया और गति क्रिया। जी किसी भी इकाई को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें स्थिति और गति दोनों बने ही रहते हैं। तो अगर हम किसी इकाई का अध्ययन करें, चाहे वो जड़ इकाई हो या चेतन इकाई हो, दोनों में ही स्थिति भी है और गति भी है।
और आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि स्थिति और गति अविभाज्य होते हैं। तो कोई इकाई है और दूसरी इकाई के साथ क्रियाशील है, जैसे टेबल है, ठीक है ना, टेबल धरती के साथ क्रियाशील है, हवा के साथ क्रियाशील है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो वस्तु रखी उसके साथ क्रियाशील है। तो ये जो क्रियाशील होना है दूसरी इकाई की परस्परता में, ये गति के रूप में है, और उसका स्वयं में होना स्थिति के रूप में है। कोई अपेक्षा नहीं है चैतन्य में, अपेक्षा अपेक्षा बिल्कुल अलग बात हो गई इससे। तो प्रकृति की किसी भी इकाई को देखेंगे तो उसमें स्थिति भी है और गति भी है, और दोनों अविभाज्य है, यानी इकाई है और दूसरी इकाई के साथ क्रियाशील है। गति दोनों अविभाज्य जी। तो जैसे यहाँ पे अगर आप जड़ इकाई को देखें ना, तो हम लोग जब अस्तित्व व्यवस्था की बात कर रहे थे तो लिखा था कि स्वयं में क्रिया है और निकाय के साथ क्रियाशील है। तो प्रकृति की हर इकाई को देखें तो स्वयं में क्रिया है, अन्य इकाई के साथ क्रियाशील है, उसमें स्थिति भी है और गति भी है। एक परमाणु के स्तर पर भी देखें तो परमाणु में जो परमाणु अंश बने हुए हैं वो है भी, और बाकी इकाइयों के साथ, बाकी अंशों के साथ क्रियाशील भी है। हर क्रिया है भी और दूसरे के साथ भागीदार भी है। जी तो स्वयं में होना स्थिति है, दूसरी इकाई के साथ भागीदार होना गति है। किसी भी इकाई को देखेंगे तो उसमें स्थिति भी है और गति भी है। तो वो इकाई है, स्थिति है, और भागीदार है, ये गति है, अन्य इकाई के साथ क्रियाशील है। उस इकाई के भीतर जाके देखेंगे तो जिन इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, अगर जड़ इकाइयों की बात करें वहां पे भी यही बात दिखाई देगी। चैतन्य इकाई की जब बात कर रहे हैं, चैतन्य क्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी दो प्रकार की क्रियाएं दिखाई देंगी, स्थिति क्रिया और गति क्रिया। तो जब स्थिति क्रिया और गति क्रिया की बात कर रहे हैं तो उसमें ये देख रहे हैं कि कोई चीज वहां जाकर स्थित होती है, जैसे अनुभव, तो वहां संपृक्तता को हमने देखा, वो स्थित हुआ, उसके आधार पर उसके अंदर एक गति बनी, सेल्फ में, मुझ में गति बनी कि अब ऐसे ही जीना है, उसका निर्णय हुआ, तो उसको वहां पर गति कह रहे हैं। तो अनुभव के साथ प्रमाण कह रहे हैं। और इसी तरह मुझे ये समझना है कि मैं उनका आचरण देखता हूँ किसी भी जानवर का, तो एक जैसा दिखाई देता है, अलग अलग नहीं। मानव का देखो तो अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि उसमें मानने की क्रिया है। तो क्या मानने की क्रिया से ऐसा नहीं हो सकता है कि सबका आचरण अलग अलग दिखाई देता हो? देखिए, पशुओं को भी आप बारीकी से देखेंगे ना तो मानने क्रिया दिखाई देगी, एक बात। दूसरी बात, उसकी मानने क्रिया इतनी संक्षिप्त है, इतनी लिमिटेड है, कि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, बट वेरिएशन तो है। जैसे आप गायों में ही देखिए, कोई सीधी होती है, कोई मरखा होती है, बोलते ही है कि गाय बड़ी मरखा है, इसके पास नहीं जाना है ना, बच्चे को इसके पास मत भेजना, ये गाय सीधी है, ठीक है, इसके पास आप रहने दो, ठीक है। ये गाय जो है वो पहले दूसरे का चारा खाएगी फिर अपना चारा खाएगी। अगर कोई डेयरी में काम किया हो तो उससे एक्सपीरियंस लीजिए आप, है ना। तो ये गाय पहले दूसरे गाय के नाद का चारा खाएगी फिर अपना चारा खाएगी, और दूसरी जो गाय है सीधी, अगर कोई इसका चारा खाएगा तो पीछे हट जाएगी। जितना पशु में भी आपको दिखाई देगा, तो हाँ, मानने क्रिया तो है। इतना ही कि चूंकि शरीर सापेक्ष जीना है, तो बस इतना ही करते हैं कि एक नाद का खाना खाएंगे या दूसरे नाद का चारा खा लेंगे, है ना, इतना ही भर है। कोई नहीं सोचते हैं कि सारे नाद मेरे हो जाए, है ना, जो मानव सोच सकता है कि सारी धरती मेरी हो जाए, है ना, सारा संपत्ति मेरा हो जाए, ये मानव सोच पाता है, क्योंकि मानव में जो मानने की क्रिया है वो ज्यादा विकसित है, पशु में इतनी विकसित नहीं है। तो मानने की क्रिया तो वहां भी आपको दिखाई देगी, परंतु लिंकेज उतना नहीं जितना कि मानव के साथ है। अच्छा, तो इसका मतलब उसमें भैया जी B2 क्रिया है या B1 की भी कुछ क्रियाएं हैं? नहीं उसको, हाँ, इसको तो देख लें, ये ज्ञान नहीं है। निश्चित आचरण होना कोई जरूरी नहीं कि ज्ञान के आधार पर ही हो। जैसे आप जड़ इकाइयों को देखें, ये मोबाइल है, इसका एक निश्चित आचरण है, इसका मतलब थोड़ी कि मोबाइल में ज्ञान हो गया है। आचरण की निश्चितता जड़ इकाई में तो बनी ही रहती है, चैतन्य इकाई में भी, यदि मानने की क्रिया भी ठीक से विकसित नहीं हो तो एक निश्चितता दिखाई देगी। जैसे आप बंदरों को कभी देखिए, अगर, है ना, बंदरों के बीच में कभी रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल पाव फटते उड़ जाएंगे, इतना स्पष्ट रहता है, पाव फटते उड़ जाएंगे, और उसके बाद उछल कूद मचाएंगे, जो कि सुबह व्यक्ति को करना चाहिए, पाव फटने के बाद, है ना, थोड़ा सा श्रम, चलना फिरना इत्यादि होना चाहिए, और उसके बाद फिर जाके थोड़ी देर बाद नाश्ता करेंगे, और शाम को अंधेरा होते ही सो जाएंगे पेड़ पर। उनका अगर आप दिनचर्या देखें तो बिल्कुल निश्चित रहता है, तो
ऐसा नहीं, उनको ज्ञान हो गया है, वो शरीर से जो संवेदना आ रही है उससे निर्णय हो रहा है। तो पाव फटने के समय संवेदना आती है उससे उठ जाते हैं, अंधेरा होते ही संवेदना आती है उससे सो जाते हैं। अगर कोई मानव बिल्कुल ऐसे ही जी रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा मतलब नहीं कि उसको ज्ञान हो गया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मानने की क्रिया उतनी ही भर में है, बस शरीर को चलाना है। तो आप जाके देखेंगे तो कई ऐसे ट्राइब्स मिलेंगे जिनका आप पाएंगे कि जीना शरीर के साथ तो बिल्कुल निश्चित बना रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर दिखाई देगा, परंतु यदि हम देखें तो जैसे ही फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं या परिवार को चलाना शुरू करते हैं या समाज में फैल कर जीना शुरू करते हैं, तो हमारे मानने की क्रिया ज्यादा दूषित होती है। फिर उसके बाद कभी आवश्यकता लगती है, कभी अभ्यास हो जाता है, तो हमारा सोना उठना जागना काम करना इन सब में एक अलग अलग प्रवृत्ति बन जाती है। तो अगर निश्चित आचरण है इसका मतलब नहीं कि ज्ञान हो गया, इसका मतलब कि मानना दृढ़ है वहां पे। ठीक, अब वो मानना जो है वो जानने के आधार पर भी हो सकता है, बिना जाने भी हो सकता है। मानना निश्चित एक सीमा तक है, बिना जाने भी उतने भर में काम चल जा रहा है, बट उसमें वेरिएशन हो सकता है। अगर परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए वेरिएशन हो सकता है, जड़ में वो भी नहीं होगा। ऊपर स्लाइड में दिया हुआ है, उसमें पांच शब्द इधर दिए हुए हैं प्रकृति और पांच इधर दिए हुए व्यापक। इसमें एक बार थोड़ा सा नियंत्रित और नियंत्रण उपलब्ध और पारदर्शी, थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ एग्जांपल या अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकें तो थोड़ा ठीक है। जी, जैसे प्रकृति किसी भी काय को देखें तो नियंत्रित है, जैसे हमारा शरीर नियंत्रित है, ठीक, ये मोबाइल नियंत्रित है, घर में जो जड़ वस्तुएं पड़ी हुई हैं ये सब नियंत्रित हैं, और अपने आप को देखें तो हम भी नियंत्रित हैं। हम इस रूप में नियंत्रित हैं कि जैसे ही हमारे अंदर कोई ऐसी मानने की क्रिया होती है, कोई ऐसा भाव बनता है, विचार बनता है जो हमको सहज रूप से स्वीकार नहीं है, ठीक है ना, हम दुखी होते हैं, तो इस रूप में हम भी नियंत्रित हैं। अब इस नियंत्रित होने का आधार क्या है, तो दिखेगा कि इस नियंत्रित होने का आधार शून्य है, जिसमें ये इकाई बनी हुई है। तो ये जड़ इकाई है, ये भी शून्य में बनी हुई है, मैं भी शून्य बना हुआ हूँ, मेरा शरीर भी शून्य में बना हुआ है, और वहां बने रहते हुए नियंत्रित है। तो जब उसको ठीक से देख पाते हैं तो दिखता है कि शून्य में नियंत्रण उपलब्ध है। इसका मतलब इतना ही हुआ कि शून्य में बने रहते हुए इकाई नियंत्रित रहती है, शून्य आधार में होता है, इसी को भाषा दी, वहां नियंत्रण उपलब्ध है। नियंत्रित का मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन नहीं या कंट्रोल्ड नहीं। यहाँ जो बात हो रही है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेस में अवेलेबल है और हर इकाई सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। ये जो स्पेस है वो कंट्रोलर नहीं है, वो नियंत्रण नहीं है, नियंत्रित हम है ही, इतना ही। जैसे हम इस रूप में नियंत्रित हैं, जैसे जड़ इकाई तो नियंत्रित है ही पहले से, चैतन्य इकाई में भी देखें तो इस रूप में पहले से नियंत्रित है कि जैसे ही हम अपने अंदर कोई ऐसा भाव लेकर आते हैं जो हमें सहज रूप से स्वीकार नहीं है, हम दुखी हो जाते हैं। हम कैसे देखें अपने अंदर, तो पता चलता है कि हमारे अंदर जैसे विरोध का भाव आता है हम परेशान होते हैं, संबंध का भाव बना रहता है आराम पाते हैं, संबंध का भाव भी समझ में नहीं आता तो जो आराम पाने की निरंतरता है वो नहीं बन पाती। ये कैसे है, जो है वो कैसे है, इसको अगर हम देख पाए, इसको अगर हम इसके है ना आधार में जाकर ऑब्जर्व करें, तो दिखेगा कि शून्य में बने रहते वैसा है। तो जिन चीजों को हम नेचुरल के रूप में देखते हैं कि नेचुरल है तो होता ही है, ऐसा है ही, ये जो नेचुरल है जो ऐसा है ही वो कैसे है, उस चीज को देखना है, वो हमें व्यापक में संपृक्तता के स्तर पर दिखाई देता है। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये एक नियंत्रण ऑलरेडी है, इसी को हम नियंत्रित बोल रहे हैं। हाँ, किसी रूप में करेंगे या उसका होना भी, तो जड़ इकाई में देखेंगे तो करने वाली बात तो नहीं है, एक रूप में चल रहा है, हमने स्विच दबाया लाइट ऑन हो गया। ये कैसे ऐसे है कि हर बार स्विच को दबाने से लाइट ऑन होता है, पावर नहीं हो तो ऑन नहीं होता है, कैसे ऐसे है? और ये पारदर्शी भैया,
पारदर्शी का मतलब कि जैसे हर इकाई हर दूसरी इकाई से संबंध को पहचानती है, तो कैसे पहचानती है, मेरा आपसे संबंध है ठीक है ना, अब मैं तो कृष्ण जी से कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, उन्हें बात हुई बट आपसे मेरा संबंध बना हुआ है, इस मोबाइल से संबंध बना हुआ है, आपका अपने मोबाइल से संबंध बना हुआ है, आपके घर की वस्तुओं से संबंध बना हुआ है, परिवार से, समाज से, तो हर इकाई हर दूसरी इकाई से जुड़ी हुई है, संबंधित है, कैसे, उसके आधार में क्या है, तो शून्य है, तो शून्य जो है वो पारदर्शी है, यानी कि वो संबंध में कहीं अवरोधक बाधक नहीं है, पारदर्शी है, उसी आधार पर हम संबंधित हैं, इसी को पारदर्शी नाम दिया। तो बेसिकली शून्य को देखें तो आधार में है, क्रिया शून्य है और क्रिया शून्य बने रहते हुए हर क्रिया के आधार में, तो पारदर्शिता का मतलब ये है कि संबंध के आधार में, इसी के आधार पर हम संबंध को पहचान पाते, निर्वाह कर पाते। वही तो क्या हुआ जिसको अभी पोटेंशियल ग्रुप में कह रहे थे, तो संबंध पहले से बना हुआ है, परस्परता बनी हुई है, निर्वाह करने की क्षमता भी बनी हुई है, हम देख नहीं पा रहे, जैसे अभी हम जो डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो शून्य बना ही हुआ है, इकाई बनी हुई है, इकाई स्वरूप में है, बट हम नहीं देख पा रहे, इसलिए हम निर्वाह भी नहीं कर पा रहे। तो परस्परता को जो पहचानना है वो जानने के आधार पर हो सकता है, चैतन्य इकाई में मानने के आधार पर हो सकता है, तो पहचानना तो बना हुआ है, अगर मानने के आधार पर तो गलत पहचान हो रही है ना, जो हम पहचानते हैं मानव संबंध में, तो यदि गलत पहचान लिया तो कभी अधिमूल्यन कर लिया, कभी अवमूल्यन कर लिया, कभी अवमूल्यन कर लिया, ओवर अंडर अदरवाइज इवैल्यूएशन कर लिया, बट जब जान लिया तो राइट इवैल्यूएशन किया, तो पहचानना तो पहले से चल रहा है, यही उसके उसको हम मानने के स्तर पर कर रहे हैं या जानने के स्तर पर कर रहे हैं, जानने के स्तर पर करेंगे तो ठीक ठीक पहचानेंगे, ठीक ठीक निर्वाह करेंगे, मानने के स्तर पर करेंगे तो ओवर अंडर अदरवाइज करते रहेंगे। तो शून्य बना हुआ है, शून्य में इकाइयां बनी हुई हैं, इकाइयों में परस्परता बनी हुई है, चैतन्य इकाइयों में जो कि मानने की क्रिया है, तो मानने कारण परस्परता को पहचाने निर्वाह करने में वेरिएशन है, जानने के साथ उसमें निश्चितता हो जाती है, इतना ही। जो शून्य है व्यापक जो है वो पारदर्शी है, शून्य पारदर्शी है, शून्य आधार में, मतलब पारदर्शी का मतलब ये हुआ कि वो उस परस्परता में कहीं बाधक नहीं है। इसमें एक और अर्थ ये भी निकलता है कि ये दृष्टा नहीं है, जैसे कई बार ना हम अगर ना समझें तो हम इसको दृष्टा मान लेते हैं, तो अगर इन सारे शब्दों को देखें तो उससे बहुत सारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं कि शून्य पारदर्शी है परंतु दृष्टा नहीं, साम्य ऊर्जा है परंतु सर्वशक्तिमान नहीं, नियंत्रण उपलब्ध है उसमें वो नियंता नहीं है, क्रिया शून्य है कर्ता नहीं है, ठीक। अगर इन सब चीजों को ना समझें तो हम ये एट्रीब्यूट्स लगा देते हैं शून्य के ऊपर, और उससे फिर हमारे पूरे जीने पे प्रभाव पड़ता है। तो अभी तो अपने आप को देखना मुख्य बात है, चैतन्य इकाई को, उससे जड़ इकाई भी समझ में आएगी। तो अभी परमाणु अंश के स्तर पे जाकर भी और बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, अभी तो जड़ को जड़ की तरह, चैतन्य को चैतन्य की तरह देखें। आकार की अगर बात करें तो जैसे अभी हम पूरे शरीर में फैले हुए हैं आकार रूप में, ये संभावना चैतन्य इकाई में तो है, जड़ इकाई में नहीं है। तो जो चैतन्य इकाई है उसका आकार तो उसके मानने से तय होता है, तो जिस शरीर के साथ हमारा सहस्तित्व बना हुआ है उस शरीर के साथ हम अपने आकार को तय कर लेते हैं, है ना। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है शरीर का आकार बदलता है, हम उसी आकार में आ जाते हैं, पोस्चर बदलता है हम उसी आकार में आ जाते हैं। तो जो चैतन्य का आकार है वो तो मेरे मानने पर निर्भर है, जो जड़ का आकार है उसमें ये संभावना नहीं है इस तरह से बदलने की। अपने बारे में देखें तो दिखता है कि आप शरीर के आकार में बने हुए हैं कि नहीं, जी पूरे शरीर का ध्यान रख रहे हैं, तो ये संभावना आप में तो है। तो आज से अगर 40 साल पहले देखें तो शरीर का आकार अलग था, अभी शरीर का आकार अलग है, जी जैसा शरीर का आकार है उतने में आप अपने को फैला लेते हैं, उसमें भी बैठे हैं तो एक तरह का आकार बनता है शरीर का, खड़े होते हैं, लेटते हैं, काम करते हैं, चलते फिरते हैं, हर समय आकार बदलता रहता है शरीर का, जी शेप है ना, साइज ना कहें, शेप तो बदलता रहता है, जी जी जी
जैसा शरीर का शेप बनता है पोस्चर के साथ वैसा हम आकार बना लेते हैं अपना, क्योंकि तो शरीर को संरक्षण दिया हुआ है। तो हमारे साथ तो ये संभावना है कि हम आकार को अपना बदल लेते हैं अपने मानने के साथ। ये क्रिया जड़ इकाई में नहीं हो सकती, अपने आप में देखने का है, समझने का है। जी कनी जी हैं जिसका अगर हम ठीक से प्रयोग करें तो बात ठीक ठीक कन्वे हो जाती है। जैसे ट्रस्ट एक वर्ड है, ठीक है ना। अब ट्रस्ट को यहाँ ये कह रहे हैं कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, इस बात पे आश्वस्त होना ट्रस्ट है। एवरी ह्यूमन बींग इज ट्रस्ट वर्दी। परंतु आम बोलचाल में हम ट्रस्ट के लिए दूसरा शब्द भी प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं डिपेंडेबिलिटी। तो ठीक है, डिपेंडेबिलिटी तो अंतर होता है, कौन व्यक्ति डिपेंडेबल है कौन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर किसी में समझ का अभाव है तो डिपेंडेबल नहीं है, समझ है तो डिपेंडेबल है। तो हिंदी में देखें तो विश्वास और भरोसा दो शब्द कह सकते हैं। तो विश्वास तो हर व्यक्ति के प्रति है, बट भरोसा हम करते हैं दूसरे व्यक्ति की योग्यता का आकलन करके। तो इन शब्दों को थोड़ा सटीकता से प्रयोग करने की जरूरत है कि विश्वास क्या है और भरोसा क्या है, ट्रस्ट क्या है और डिपेंडेबिलिटी क्या है। तो वैसे ही है ना, रिस्पेक्ट अफेक्शन, वैसे ही देखें तो ट्रुथ है ना, या धर्म जिसको कह रहे हैं, या ऑर्डर, ठीक है, वैसे ही जस्टिस जिसको कह रहे हैं, जिसको लॉ कह रहे हैं, इन सब शब्दों को ठीक ठीक समझा जा सकता है। अगर हम सुनने को जैसा वैसा न देखें तो इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि शून्य जो है वो दृष्टा है, वो सब देख रहा है। तो कई बार जब हम जीने में चूक करते हैं या दूसरे से व्यवहार में कठिनाई होती है, संबंध में समस्याएं होती हैं, तो हम अपने अंदर एक भाव ले आते हैं कि कोई है जो सब देख रहा है, वो तुम्हें दंड देगा, वो तुम्हें सजा देगा ना, तुम्हें ठीक करेगा। तो ये इस तरह का जो भाव लाते हैं कई बार इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारे पास उस परिस्थिति में संबंध में सुखपूर्वक जीने की योग्यता नहीं होती, तो हम अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं ये कहते हुए कोई दृष्टा है वो देख रहा है। अब समझ में आता है समझ के साथ, एक्सप्लोरेशन के साथ, कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही कर्ता करता हूँ, मैं ही भोग। कई बार हमने ये मान लिया है प्रचलन में कि कर्ता कोई और है, दृष्टा कोई और है, मैं तो सिर्फ भोगता हूँ। तो कोई और करवा रहा है, मैं तो कर रहा हूँ, कोई और है ना देख रहा है और मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी दृष्टि में है। तो दृष्टि भी उसमें नहीं है, दृष्टि मुझ में है, दृष्टा भी मैं हूँ, करने का निर्णय भी मेरा है। इससे स्वयं में भी जिम्मेदारी का भाव बनता है, स्वयं में भी स्पष्टता बनती है और हम अपनी मान्यताओं से भी मुक्त होते हैं। तो दिखता है अपने को कि शून्य तो पारदर्शी है, उसमें देखने क्रिया है नहीं। जो क्रिया शून्य है उसमें क्रिया कहाँ से होगी, देखना तो क्रिया है। तो शून्य तो क्रिया शून्य है, उसको शून्य इसीलिए कहा क्योंकि क्रिया शून्य है और पारदर्शी है, तो पारदर्शी है न कि दृष्टा है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो जब अनुभव के स्तर पर शून्य को देख पाते हैं, शून्य में अपने आप को देख पाते हैं, तो ये बात ठीक से अपने को दिख जाती है कि जो शून्य है वो क्रिया शून्य है और पारदर्शी है न कि दृष्टा है। वैसे ही दिखता है उर्जित है शून्य में बने रहते हुए, और शून्य एक समान बना हुआ है। जब उसमें क्रिया ही नहीं है तो उसमें कोई चढ़ना मतलब बदलना ना, या ऊर्जा का उतार चढ़ाव होना आदि तो होगा नहीं, ऊर्जा में परिवर्तन तो होगा नहीं। तो साम में ऊर्जा है जिसमें ऊर्जा कोई परिवर्तन ना हो, साम में ऊर्जा है। तो वो साम में ऊर्जा है ना कि सर्वशक्तिमान है। तो कई बार हम ऐसा भी मान लेते हैं कि शून्य है जो ना, या जो व्यापक है वो सर्वशक्तिमान है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, शक्ति तो ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है, शक्ति तो क्रिया के साथ जुड़ी हुई है, जो सापेक्ष ऊर्जा है उसके साथ जुड़ी हुई है, तो साम में ऊर्जा है। वैसे नियंत्रण उपलब्ध है उसमें, और उसमें बने रहते हरिकाय नियंत्रित है, स्वनियंत्रित है, वो कोई नियंता नहीं है। ये सारी बातें हमको समझ में आती है अनुभव के स्तर पर जब हम शून्य में संपृक्तता को देख पाते हैं। अस्तित्व भी समझ में आता है कि अस्तित्व कोई क्रिएशन नहीं है, कोई रचना नहीं है, ये किसी ने रचना की है। अस्तित्व मतलब अस्तित्व का देखें तो है मतलब निरंतरता, जो था है और रहेगा, ये अस्तित्व है, ठीक है ना। ये कोई रचना नहीं है, किसी ने रचना कर दी है, तो हमेशा से था है और हमेशा ही रहेगा। क्रिया क्रिया के रूप में बनी रहेगी, शून्य शून्य के रूप में बना रहेगा,
नियंत्रण उपलब्ध है और नियंत्रण नहीं, ये थोड़ा सा फिर भी कंफ्यूज हो रहा है। वही तो, जैसे नियंता का मतलब है कि कोई कंट्रोलर है। हाँ ठीक, अब कंट्रोलर तो वही होगा ना जो क्रिया होगी। जी तो कोई क्रिया तो है नहीं तो कंट्रोलर कहाँ से हो गया? हाँ कंट्रोल करने का डिसीजन तो कहीं होगा नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि शून्य जो है उसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नियंत्रण उपलब्ध है। तो पहली बात तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल, इन दोनों को अलग देखने की जरूरत है। तो हर यूनिट जो है नियंत्रित है यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। तो जड़ इकाई भी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, चैतन्य इकाई भी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, शून्य में बने रहते हुए। कोई इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजर है, कंट्रोलर है, ऐसा नहीं है। ये बात अगर समझ में आती है तो फिर अपने प्रति जिम्मेदारी का भाव बनता है कि ऐसा नहीं कोई हमको कंट्रोल करने वाला है। ठीक है ना, तो मैं अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो ये बात को जितना बारीकी से देखते हैं उतना अपने प्रति जिम्मेदारी का भाव आता है, संबंध में जिम्मेदारी का भाव आता है और पूरी व्यवस्था के प्रति भी जिम्मेदारी का भाव आता है कि पूरी परंपरा की जिम्मेदारी मेरी है, उसमें मुझे भागीदारी करना है, ना कि कोई और कर देगा, ना कि ना कोई व्यापक है जो ये सब करेगा। तो क्या होता है कि जब हमारे अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन में कुछ सही गति नहीं बनती और हम उलझ जाते हैं लाइफ में, तो अपने आप को उस परेशानी दुख से निकालने के लिए हम किसी ऐसी चीज को मान लेते हैं जो है नहीं, और उससे अपने आप को थोड़ा राहत पहुंचाने का काम करते हैं, अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, हमारे पास समाधान नहीं होता तो समस्या में हम ग्रस्त हो जाते हैं, फिर उससे अपने आप को राहत देने के लिए हम कुछ मान्यता या कुछ उपाय को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं बन जाती हैं जो सामयिक रूप से तो हमारे लगता है बहुत उपकारी है, बट लॉन्ग रन में देखें तो हम फंस जाते हैं फिर उसमें, क्योंकि तो अपनी जिम्मेदारी का भाव चला गया है। देखिए, किसी हम चित्रण तो करते हैं बट जो चित्रण किया हुआ है वैसे नहीं होता है तो थोड़ा कभी मतलब दुखी भी होते हैं, या वैसे नहीं होता है तो क्यों नहीं हो रहा है, या चित्रण हम करने में गड़बड़ी कर रहे हैं, या क्या समझे यहाँ पे? इसमें दोनों ही बातें हैं, या तो पहले से उसके बारे में कुछ माना हुआ है या उधर ध्यान ही नहीं दिया। तो उधर ध्यान ही नहीं दिया, जब कोई परिस्थिति आई तब ध्यान गया, और जो उस परिस्थिति को ध्यान देने के पहले जिन परिस्थितियों से हमारा एक्सपोजर था, ठीक है ना, उसके आधार पर कुछ माने हुए थे उसी को हमने एक्सटेंड कर दिया उस परिस्थिति में भी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पैंडेमिक आया, ठीक है ना, अब हो सकता है हमें से कई लोगों का पैंडेमिक से कोई एक्सपोजर ही नहीं था, तो हमारा उधर ध्यान ही नहीं दिया था हमने। अब जब पैंडेमिक आया अब ध्यान गया उसके ऊपर, तो जो पहले से जिन वस्तुओं पर ध्यान दिया था इसी को हमने मानने क्रिया को सकता और एक्सटेंड कर दिया। तो जैसे है ना, उदाहरण के लिए जो अभी बात हो रही थी मीनाक्षी जी से भी, तो हमने माना हुआ था कुछ बाकी चीजों के बारे में, ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई कोई है जो दंड दे रहा है, मानव जो है बहुत अनियंत्रित हो गया है तो कोई दंड दे रहा है, इसलिए सब बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही है। तो हमने जो मानने की क्रिया थी उसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि उसके प्रति हमारा एक्सपोजर नहीं था। वैसे शरीर में कोई घटना हुई, हमने मानने की क्रिया को एक्सटेंड कर दिया वहां पे, उसके आधार पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो या तो हमने कुछ अन्यथा माना हुआ है या उधर ध्यान ही नहीं दिया था, दोनों ही बातें हो सकती है। जानने की जरूरत है, उसको ढूंढने का भी बहुत उपकार नहीं है कि क्या क्या माना हुआ है। आप जब जानने पर ध्यान देंगे तो खुद ब खुद जो माना हुआ है उसके अन्यथा वो आपके सामने आने लगता है। सब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कुछ देखना है पहले से, कुछ देखना शेष है। अब धीरे धीरे जैसे हम ध्यान देते हैं तो और बारीकियां नजर आती हैं, तो एक तो आगे की स्थिति भी दिखाई देती है और दूसरा बीच में जो देखते हुए गैप्स बने हैं। जैसे हम जब भाव में सजग होते हैं तो कई बार आप पाएंगे कि हर 5-10 मिनट पे सजगता बन रही है, ठीक, तो पहले वो भी नहीं था, तो कम से कम 5-10 मिनट पे बात बात तो सजगता बनने लगी, तो अब हमारा क्रम बन जाता है। फिर वो उस 5 मिनट के भीतर जो बहुत सारे भाव बदले वो भी ध्यान में आता है। तो दोनों तरह से हम काम करते हैं, एक तो हमारी गति आगे की ओर बढ़ती है और दूसरा बीच में जो गैप्स छूट रहे होते हैं उन पे भी सजगता बनती जाती है, और यही विधि है। इनफैक्ट धीरे धीरे हम एक ऐसी स्थिति में आने लगते हैं
कि जो है उसको भी देखना शुरू करते हैं, ना कि सिर्फ जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखते हैं। तो अभी हमारा ज्यादा अभ्यास जो है परिवर्तन को देखने का है, कि चीजें जिस रूप में बदलती हैं हम उसको देखते हैं, जो था है और रहेगा उसको हम देखते ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम शून्य को देखते ही नहीं है, क्योंकि शून्य को हमको लगता है इसमें क्या देखें, ये तो है ही, क्रिया शून्य है इसमें क्या देखें, क्योंकि हमारा सारा अभ्यास परिवर्तन को और क्रिया को देखने का है। क्रिया में भी जो क्रिया की निश्चितता है, निरंतरता है, उसको नहीं देख पाते हैं, जो परिवर्तन उसको देखते रहते हैं। इसलिए हम विचार के स्तर पर बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि विचार में बार बार परिवर्तन दिखाई देता है, भाव में स्थिरता बढ़ती जाती है हमारी, तो उसको देख नहीं देख पाते हैं। और जब ऊपर के ब्लॉक B1 की एक्टिविटीज को बात करें तो उसमें निश्चितता है, उसमें ध्यान ही नहीं देते हम। तो मानव का जो भी अभ्यास है वो एक तो क्रिया को देखने का, क्रिया शून्य को देखने का नहीं है, दूसरा क्रिया में भी जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखने का है, क्रिया में भी जो निश्चितता है उसको देखने का नहीं है, जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखने का है। और उतने भर से जितने भर में शरीर चल जाता है हमारा, वही हमारा कंसर्न बना रहता है, क्योंकि अपने आप को शरीर मान के जी रहे होते हैं, उतने भर में हम संबंधों का भी निर्वाह कर रहे होते हैं, उतने भर में हम सुखी होने के लिए प्रयासरत रहते हैं और उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए सुविधा का संग्रह और भोग में लगे रहते हैं। तो अभी ऐसा चलता रहता है। धीरे धीरे जब हमारी बारीकी बढ़ती है स्वयं में ध्यान देने की, तो जिसमें है ना जो नियम के रूप में है, जिसमें निश्चितता है, निरंतरता है, उस पर ध्यान जाता है, तो जो बीच के गैप्स हैं वो भी छूटते हैं, जो आधार है वो भी ध्यान में आता है, और जिस क्रिया को हम सहज रूप से अपने अंदर देख सकते हैं उन पे भी ध्यान जाता है, जो अनुभव बोध चिंतन की क्रिया है ये भी कोई क्रिया है। नहीं तो अभी हम विचार में ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसमें परिवर्तनशीलता बनी रहती है। स्क्रीन देखकर यहाँ पे सुख शांति संतोष आनंद परमानंद कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनके समझ में नहीं आ पा रहा है। जी, तो जिस क्षण हमको संपृक्तता का अनुभव होता है उसको नाम दिया परमानंद, वो परमानंद की स्थिति होती है। परम मतलब तो जो संपूर्ण है, संपूर्ण को देख लिया, तो संपूर्ण को देखने पे जो स्वयं में स्थिति बनती है उसको नाम दिया परमानंद। उस संपूर्ण को देखने के आधार पर जो व्यवस्था को हम समझ पा रहे थे, जिसका बोध हो पा रहा था, उसमें पूर्णता हो गई, उसको नाम दिया आनंद। इस व्यवस्था की बोध के आधार पर जो मेरे अंदर भाव में पूर्णता हो गई, संबंध के भाव में मानव शेष प्रकृति हर इकाई के साथ, उससे मेरी इच्छाओं में निश्चितता हो गई, उसको नाम दिया संतोष। अब मेरी इच्छाएं निश्चित हो गई, उससे जो मेरे विचारों में उथल पुथल था वो पूरी तरह से दूर हो गया, अब उसमें कोई श्रम नहीं रहा, विचारों में कोई अंतर्विरोध अंतर्द्वंद शंका है आदि नहीं रहा, उससे मेरे विचारों में शांति मिलती है और इसके साथ मेरे अंदर सुख का आस्वादन बना रहता है। ये अर्थ है इसका, जो आस्वादन हो रहा है ना, अब मेरे जो भी आस्वादन होता है वो ज्ञान के साथ भाव के साथ आस्वादन होता है, तो सुख बना रहता है, इसी को निरंतर सुख का। तो परमानंद के साथ सुख की निरंतरता बनी रहती है। तो जब मुझे शून्य में प्रकृति की संपृक्तता दिख जाती है तो मेरे अंदर परमानंद की स्थिति बनती है, उस परमानंद के साथ सुख की निरंतरता तो होगी। तो अगर जो अभी डायग्राम बना हुआ है ना अनुभव मूलक विधि से, जो अनुभव हो गया उसके बाद स्वयं में क्या स्थिति बनेगी, तो उसमें ये सारी स्थितियां बनती है, परमानंद आनंद संतोष शांति और सुख। परंतु जब नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहे हैं अनुभव के अर्थ में, अनुभव के लिए, तो सामयिक रूप से रहता है। कभी हम सुखी तो होते हैं कभी कभी, शांत होते हैं कभी कभी। जब सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट होती है तो चित्रण में कम से कम कुछ समय के लिए ही हमको दिखता है कि हाँ पर्याप्त है, या भाव कोई निश्चित होता है इच्छा में चित्रण के स्तर पर ही, भले उसमें निरंतरता ना हो, तो सामयिक रूप से हमको संतोष होता है। उसमें भी जब कोई भाव चिंतन में आ जाता है तो उस भाव को लेकर हमारे में संतोष बना रहता है। व्यवस्था जितना हमारे बोध में आता है उतने को लेकर हमारे में आनंद की स्थिति बनी रहती है, कि उतने को देख लिया, उतने को समझ लिया। परंतु जब तक एक परमानंद की स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इसमें पूर्णता नहीं होती, आनंद में संतोष में शांति में सुख में पूर्णता नहीं होती। तो सुख के अवसर पर हमको पता लगता रहता है कुछ शेष है, क्योंकि अभी निरंतरता नहीं बन पा रही।
है ना। तो जब तक निरंतर सुख स्थिति में नहीं आ जाते हैं तब तक अपने ऊपर काम करने की प्रेरणा बनी रहती है, अपने ऊपर और काम करना है। एक बार अपने ऊपर ठीक से काम कर लिया, अनुभव की स्थिति में पहुंच गए, तो जो प्रेरणा बनती है कि अब इसमें हर इकाई को है ना, मतलब इसका परस्परता को पहचाना जाए, उसी आधार पर उसको निर्वाह किया जाए, तो हर मानव को जागृत किया जाए, ऐसी प्रेरणा बन जाती है अपने अंदर। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा अनुभूति होती है कि हम अभी जो क्रमशः सुख शांति संतोष और आनंद और परमानंद की, तो क्या हम कभी कभी परमानंद का भी अनुभूति कर पाते हैं क्या? जैसे मान लो शून्य में, शून्य व्यापक है, कभी एक ऐसी अवस्था जिससे हम हटने ही नहीं चाह रहे हैं, जैसे पूरे दिन में 2-3 मिनट के लिए ऐसी अवस्था आ जाती है कि जहां हम केवल किसी भी चीज का, जैसे कहते इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति बन जाती है कि इच्छा ही नहीं रही है किसी चीज की, और 15 मिनट 10 मिनट मतलब कभी कभी ऐसी अवस्था कि जहाँ शून्य में जाकर के अपने आप को खोने वाली स्थिति। तो थोड़ा इसको मैं व्यापक शब्द को थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि ये शून्य में व्यापकता शब्द कैसे क्लियर हो। देखिए, वो परमानंद की स्थिति तो नहीं है ना, शून्य को देखने की स्थिति है। उतने में होता है कि जो विचारों में श्रम था, अशांति थी, वो सामयिक रूप से दूर हो गया, तो कहीं पे हमारी कल्पनाशीलता स्थिर हो गई, तो उसको हम अभी एक है ना आराम की स्थिति के रूप में देखते हैं। तो कई बार लगता है जैसे ये शून्य की स्थिति आ गई या शून्य को देखने की स्थिति आ गई, तो ऐसा नहीं है। परमानंद स्थिति में जाकर, जी परमानंद स्थिति में जाकर तो हम अपने अंदर ये आनंद संतोष शांति सुख इसकी निरंतरता को देख पाते हैं, तो फिर निरंतरता हो जाएगी, उसके आगे तो फिर ये बदलाव होगा नहीं। तो परमानंद की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है, शून्य को देखने की स्थिति भी नहीं है। वो तो इतना ही भर होता है कि अभी जिस तरह से हम जी रहे हैं, विचारों में बहुत सारा थकावट परेशानी द्वंद बना रहता है, उससे सामयिक रूप से थोड़ी मुक्ति मिल जाती है, राहत मिल जाता है। भैया, ये जो स्टेप है सुख से शांति की ओर, शांति से संतोष की ओर, संतोष से आनंद की ओर, तो ये एक एक करके इन स्टेप को प्राप्त करने के लिए मतलब पूरा कार्यक्रम है। तो बेसिकली मूल कार्यक्रम तो ये है कि जो ब्लॉक B1 में क्रियाएं हैं, जिसको पर्पल ब्लॉक में रखा गया, चिंतन बोध अनुभव, इसको जागृत किया जाए। इसको जितना जितना हम निष्ठापूर्वक करते हैं तो स्थितियां हमारे अंदर धीरे धीरे बनने लगती है, सुख बढ़ने लगता है, शांति बढ़ने लगती है, सुविधाओं को लेकर संतोष का भाव आने लगता है, संबंधों को लेकर संतोष का भाव आने लगता है। परंतु इसमें निरंतरता और पूर्णता तब होती है जब हम परमानंद की स्थिति में पहुंच पाते हैं। थोड़ा और तैयारी करें, अभी हम लोग अभ्यास एक में जो बात करेंगे ना, भाव को देखने का, नहीं तो फिर क्या होता है कि हम शून्य का विचार करने लगते हैं। जीना इकाइयों के साथ होता है तो हमको समझ में नहीं आता, तो फिर हमको लगता है ये इकाइयां जो है मेरे शून्य को देखने में बाधा उत्पन्न कर रही है। परस्परता को समझना होगा, संबंध को समझना होगा, भागीदारी को समझना होगा, उसके साथ फिर आगे की स्थिति बनेगी। तो शून्य पे हम ध्यान दें यहाँ तो ठीक है, बट शून्य कोई हमारा एस्केप रूट नहीं है कि हम इकाइयों से बच के शून्य को देखें, नहीं। इनफैक्ट इकाइयों के साथ संबंध को ठीक ठीक पहचानते हुए, निर्वाह करते हुए, उभय सुख को सुनिश्चित करते हुए ही हमारी इतनी तैयारी हो पाती है कि हम आगे की स्थिति पहुंच पाते हैं। तो अब हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे, है ना, अभ्यास एक और अभ्यास दो। तो जो अभ्यास है वो निरंतर सुखपूर्वक, निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के अर्थ में है। हम मूलतः हमें ये अभ्यास करना है कि पहला अभ्यास है सही समझना स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को, दूसरा सही भाव विचार करना सह अस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में, और तीसरा सही जीना परस्परता में सह अस्तित्व में, और इसी के अर्थ में व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी करना है। तो इन तीन बातों के अर्थ में हमें अभ्यास करना है। इनमें से सही समझने के अर्थ में हम विस्तार से काम करेंगे अभ्यास एक और अभ्यास दो के रूप में। तो अभी जो हम लोग इतनी बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने मैं यानी सेल्फ की क्रियाओं पर इतने विस्तार से बात किया, अस्तित्व को लेकर इतने विस्तार से बात किया, उसी अर्थ में है ताकि हमारी तैयारी हो जाए, है ना, इन तीनों मुद्दों पे कि सही समझना हो जाए, सही भाव विचार सुनिश्चित हो जाए और सही जीना हो जाए। जी, तो ये अपने को करना है आगे, और इसको हम लोग विधिवत अब करने वाले हैं। आज असाइनमेंट के रूप में लें तो जितनी आज बात हुई तो हम लोग इन बातों को और देखें। तो इकाई को इकाई की तरह और शून्य को शून्य की तरह हम विचार में स्पष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं,
इसको अपने आप में देखें, है ना, कि दोनों कई बार लगता है मिक्स्ड अप हो रहे हैं। तो आज असाइनमेंट ग्रुप में इतनी बात रखेंगे। तो पड़ता ही है परस्परता में, तो हर इकाई का दूसरी इकाई का प्रभाव पड़ता है। तो जो ग्रह नक्षत्र है ना, इनका भी प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य पे पड़ता है, आसपास की भौतिक रासायनिक वस्तुओं पे पड़ता है। और यदि हम इनके सापेक्ष जीते हैं, शरीर के सापेक्ष जीते हैं, सुविधाओं के सापेक्ष जीते हैं, तो हम पे भी पड़ता है। परंतु यदि हमारा जीना इनके सापेक्ष नहीं है तो हम पे प्रभाव नहीं पड़ता। मानने की क्रिया पर निर्भर करेगा। देखिए मानने में क्या होता है कि हम जो परस्परता में प्रभाव है उसको एक अर्थ देते हैं जी, ठीक है ना। वो जो अर्थ है वो मेरे सुख या दुख को डिटरमिन करता है। तो मानने के साथ अर्थ देते हैं, तो उसी स्थिति में है ना, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में हम जैसा अर्थ देते हैं परस्परता में प्रभाव को, उसके अनुसार मेरी स्थिति बनती है सुख या दुख की। तो आज हम लोग इसको करें, तो हम जो चार्ट था अस्तित्व का उसको अभी बारीकी से और देख लें, शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट हो जाए, और क्रिया शून्य और क्रिया इन दोनों को स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करें। तो आज हम लोग चर्चा यहीं रोक लेते हैं। सभी को धन्यवाद।